हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। नतीजन जीत को लेकर बेहद आश्वस्त महसूस कर रही है। कांग्रेस ने इन नतीजों का विश्लेषण करने के लिए गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग भी की है। इस बैठक में खुद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। अभी तक हरियाणा के चुनावी नतीजों पर कोई भी प्रतिक्रिया न देने वाले राहुल गांधी ने आज इस मामले पर अपनी राय जाहिर कर दी है। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार की प्रदेश कांग्रेस के नेताओं बताया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उससे उनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। नतीजों पर मंथन के लिए आए राहुल गांधी ने हरियाणा हार पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, जबकि पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। हालांकि राहुल गांधी ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में बता दिया कि किनकी वजह से पार्टी को हरियाणा में हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा की हार पर मंथन का फैसला लिया है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ यह मंथन किया जाएगा। इसमें आज कांग्रेस के हरियाणा से जुड़े AICC के नेताओं के साथ बैठक हुई। चुनाव की गिनती में अनियमितता और हरियाणा कांग्रेस के अंदर मतभेदों को लेकर इसमें चर्चा हुई। प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा चुनाव से जुड़े सीनियर ऑब्जर्वर ने मल्लिक अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी को हरियाणा पर अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, अजय माकन और अशोक गहलोत ने इस पर चर्चा की। साथ ही हरियाणा को लेकर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस प्रत्याशियों और प्रदेश के नेताओं से मिलेगी और अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को देगी। आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कांग्रेस की तरफ से घोषणा किए जाने की संभावना है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ही प्रदेश के नेताओं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा से मिलेगी।